कल क्लास में पढ़ाते वक्त कुछ महसूस किया जिससे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपनी सोच पर डाउट सा हुआ। हर रोज़ क्लास शुरू होने से पहले सोचती हूँ कि आज किसी भी बच्चे को ना डांटूंगी नहीं, आज क्लास को कंट्रोल करने से ज़्यादा खुद पर कंट्रोल रखूँगी, आज हर बच्चे के डाउट को पेशेंटली हैंडल करूँगी, बिना ये लॉजिक लगाए कि कितना इलॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, आज किसी की भी किसी हरकत से इरिटेट नहीं होंगी, बस फोकस करूँगी एक चीज़ पर, टीचिंग। इतना सब सोच कर समझ कर भी जब कल एक बच्ची सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाई तो मैं एज यूजुअल इरिटेट हो गई। मैंने उसे तुनक कर कहा, हाउ इज इट पॉसिबल, इतना इजी सवाल भी नहीं कर पा रही हो। मैंने अपनी इंटेलिजेंस के झंडे कुछ इस तरह फहराए जैसे न जाने कितनी बड़ी मैथ्स की धुरंधर हूँ, बिना ये सोचे कि मेरा ऐसे कहने और डांटने का उस मासूम दिल पर क्या असर पड़ेगा। वो बच्ची जो ट्यूशन आने से पहले जिसकी आँखें जगमगा रही थीं, वो जो थोड़ी देर पहले खिलखिला रही थी अपने बगल में बैठी सहेली को सता रही थी, अब चुपचाप बस मेरी डांट सुन रही है। उसकी आँखों में आंसू देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद थोड़ा ज़्यादा डांट दिया, शायद ज़्यादा ही कह दिया। दोस्तों, क्या हमारा भी बचपन कुछ ऐसा ही नहीं था? क्या हमें नहीं होती थी प्रॉब्लम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में? क्या चार अंग्रेजी के सेंटेंस लिखना आसान था उस वक्त? क्या सुबह उठ के जल्दी स्कूल जाना बुरा नहीं लगता था? क्या हमारे नहीं आए नंबर कभी कम? क्या डांट खाकर भी आंसू छुपाने का हुनर आता था उस वक्त? बचपन बचपन कुछ तेरा भी ऐसा, कुछ मेरा भी ऐसा, तो क्यों उनसे छीन रहा है उनका बचपन जो बिल्कुल है तेरे मेरे जैसा। आज हर बच्चा ओवरबर्डन्ड है, कुछ तो स्कूल के बैग्स का बोझ भारी और उस पर हमारी भारी भरकम एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, ये कुछ रैंडम थॉट्स हैं जो मेरे मन में आते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सके तो इन वीडियोस पर अपने व्यू पॉइंट्स को ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।